आज भी उसी पर कायम हूँ। बिहार के शिक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का मैं सदस्य होने के नाते बताना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि न हम किसी को बजाते हैं, फंसाते हैं, न छुड़ाते हैं। और मेरा मानना है कि जो अच्छा काम करता है ये सरकार पुरस्कृत करती है, जो गड़बड़ काम करता है सरकार उसको दंडित करती है। आप की नजरों में देखा भी गया है, आपने उसको उजागर भी करते हैं। रही बात खान एवं भूतत्व विभाग में, आपने तीन व्यक्ति का नाम लिया, सचमुच में उनके ऊपर जांच चल रही थी, अभी जांच स्पष्ट हुआ नहीं है। और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया कि विभाग से नहीं खनिज निगम से खनन का काम होगा, कॉन्ट्रैक्टर बहाल किया जाएगा। उसी कड़ी में वो निगम का खुद के डायरेक्टर हरजोत कौर है, और इसकी संज्ञान मुझे नहीं है किस आधार पर उनसे काम लिया जा रहा है, इसकी जवाब स्वयं वो देंगी जब जांच चल रहा है। मेरे पास कोई संचिका फाइल नहीं आई है, जांच के लिए आया था, जांच बैठ गया, दूसरे जिला में थे उनको मुख्यालय में योगदान करा दिया गया, लेकिन किस तरह उनसे काम लिया जा रहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। विभाग के द्वारा मुझे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई है, तो मुझे लगता है कि इसकी जवाब जो खनिज निगम का MD है आदित्य को उनसे पूछा जाएगा, कोई इसके स्तर पर। तो जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कार्रवाई आप देख नहीं रहे हैं, संपत्ति जांच हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, इससे आप ही लोगों की तो चैनल आपके हर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम कोर्ट से बधाई देते हैं कि जहां मेरे विभाग में गड़बड़ियां होती है त्वरित आप लोगों ने प्रकाशित करते हैं, देश दुनिया देखता है उस पर हम विभाग के। मगर सर ये हरजोत कौर का जो ये मामला बताया, गड़बड़ी है सर कि नहीं आपके नजर में सर, क्या मंत्री विभाग के आपके नीचे हुआ? मुझे लगता है कि अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर लगता है कि मेरे संज्ञान में बगैर दिए हुए तो उन्होंने ऐसा किया है तो नियम नियमावली से की होगी, इसका तो स्पष्टता उनको ही देना होगा। पर एक आय से अधिक संपत्ति का जांच चल रहा है, उनको फिर से पोस्टिंग कर देना, आपके जाने हुए एक बार ये हुआ जब आप पद ग्रहण कर रहे थे उस समय ना डिपार्टमेंट की हेड थी। मुझे जो जानकारी है इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उनको अन्य जिलाओं से यहाँ मुख्यालय में योगदान कराया गया इसकी मुझे जानकारी थी, लेकिन उनसे काम लिया जा रहा है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। हो सकता है खनिज निगम के वो खुद के MD है, MD के माध्यम से काम खनिज करना है, खनन करना है, तो किस आधार पे उनसे काम लिया जा रहा है इसके बारे में कोई जानकारी कुछ इसका सर आप संज्ञान लेंगे, स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ मेरे सामने। इस न्यूज़ के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।